हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बिटियास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने किसी कॉमन समस्या का सलूशन लेकर आई हूँ जो मोस्टली सभी फेस करते हैं। जब भी हम स्टफ पराठे बनाते हैं तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पराठे बेलने के टाइम पे फट जाते हैं। उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए तो कभी भी आपके पराठे फटेंगे नहीं और फिलिंग पराठे में सब तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, कभी भी फटेंगे नहीं, इक्वल रहेंगे। इसके लिए आप मैंने लिया है आज गोभी के और मूली के पराठे मैं बना रही हूँ। इसमें गोभी घिस कर काट कर धोकर घिस लिया है और उसमें सब मसाले मिक्स कर दिए, जैसे मसाले तेज या कम आप खाना चाहें। मूली को घिस लिया और घिसने के बाद उसे कपड़े में रखकर निचोड़ लिया है। निचोड़ने से बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें और इसमें भी मसाले मिक्स कर लिए हैं, नमक भी मिक्स किया हुआ दोनों में। आटा मारने में भी थोड़ा सा गूंथने में ध्यान रखिए, ये मैंने आटा लगा के रखा हुआ है। इसमें आटा सॉफ्ट होना चाहिए, ना बहुत कड़ा हो और ना ही बहुत सॉफ्ट हो। इसमें भी नमक मिला हुआ है आटे में और थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया है। इसमें से एक लोई तोड़िए, आटे में डस्ट कर लीजिए उसे और अच्छी तरह से फैला लीजिए लोई को, जिसमें बीच में से मोटा रखिए और किनारों की तरफ से उसको अच्छी तरह से फैला लीजिए। अब एक फिलिंग को उसके अंदर भरकर, एक कटोरी जैसी बन जाएगी, तो फिलिंग को उसमें भर लीजिए और सब तरफ से इसको लॉक कर दीजिए, बिल्कुल भी कहीं से भी फटे हुआ ना हो और हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिए। इसके बाद इसको किनारों से दबाइए और एक डिस्क की तरह बना लीजिए जिसमें बीच में से उठा हुआ हो और किनारे पर हो, इससे फिलिंग सब तरफ इक्वली फैलेगी। और हल्का सा दबा दीजिए, फिर डस्ट कीजिए इसे सूखे आटे में और हल्के हाथों से किनारों की तरफ से बेल लीजिए, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलिए। हल्के हाथों से बेलेंगे तो फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी और इक्वली सब तरफ फैलती जाएगी। तवा गरम कीजिए, तवे को पहले फुल फ्लेम पर गरम कर लीजिए, अच्छा सा गरम हो जाए, धुआं देने लगे ऊपर से। जब तक तवा गरम हो रहा है तब तक हम, ये अभी हमने गोभी के फिलिंग का बनाया था पराठा, हम ये मूली की फिलिंग का बना लेते हैं। उसके लिए तैयार कर लेते हैं लोई, इसको भी इसी तरह से स्प्रेड कर लीजिए, किनारों की तरफ से पतला कीजिए और बीच में से करेंगे तो फटने का डर है। इसमें भी मूली की फिलिंग को रख लीजिए। देखिए मूली की फिलिंग एकदम सूखी है क्योंकि हमने इसमें से पानी पहले कपड़े में निचोड़ लिया है। इसको भी ऐसे लॉक कर लीजिए, सब तरफ से बंद कर लीजिए, अच्छे से दबा लीजिए और डिस्क की तरह बना लीजिए। इसको भी किनारों की तरफ से फैलाइए, किनारों की तरफ से फैलाने से फिलिंग सब तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और अच्छा सा पराठा बनेगा। हमारा तवा गर्म हो गया है, थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे चिकना कर लीजिए और जो पराठा हमने गोभी वाला बेला था उसको इसमें हम डाल दें। फुल फ्लेम पर रखिए जब तक वो हो रहा है, हम ये मूली का पराठा बेल लेते हैं। डस्ट कीजिए, डस्ट करने में ध्यान रखिए बहुत ज्यादा आटा मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा आटा लगा के और किनारों की तरफ से हल्के हाथों से बेलिए। ये एक तरफ से सिक गया है, जब इस तरह से रेड हो जाए हल्का हल्का तभी से पलट लीजिए और इसमें ऑयल या घी जो भी आप लगाना चाहें इसमें लगाकर अच्छे से दबा दबा कर सेक लीजिए एक साइड से। जब ये एक साइड से सिक जाए देख लीजिए तो रेड उसमें निशान इस तरह से पड़ जानी चाहिए सिके हुए, सब तरफ से घुमा घुमा के सेक लीजिए, फिर पलट कर
ऑयल लगाइए, दबाकर सेक लीजिए और अब फ्लेम को मीडियम कर लीजिए। जब ये दोनों तरफ से हल्का सिक जाता है और ऑयल लगाने का टाइम आता है, ऑयल लगाने के बाद फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और दोनों तरफ से अच्छी तरह से दबा दबा कर ब्राउन होने तक सेक लीजिए। अगर ज्यादा करारा खाना चाहते हैं क्रिस्पी तो देर तक एकदम सिम पर सेकिए, और अगर सॉफ्ट पसंद है तो मीडियम फ्लेम पर सेकिए। ये देखिए ना ये बेलने में फटा है और ना ही ये सेकने में, इसका मटेरियल बाहर आया है। ये हमारा गोभी का पराठा सिककर तैयार है। इसी तरह से हम इसको चिकना करेंगे थोड़ा सा ऑयल से, और मूली का पराठा उस पर डाल। ये हमने इसमें मूली का पराठा डाला था, देखिए वो भी एक तरफ से सिक गया है। ऑयल लगाइए, अब ये हम फुल फ्लेम पर सेक रहे हैं। अभी सब तरफ से दबा दबा के सेक लीजिए, इससे सब तरफ से वो एक बार सिक जाए ऑयल लगाने से पहले। पलट दीजिए और दूसरी साइड भी ऑयल लगा लीजिए। फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और अच्छी तरह से सिक जा दीजिए। ये पराठा तैयार हो गया है, इसे निकाल लीजिए, ये सर्व करने के लिए तैयार है। लीजिए तैयार है, चटनी और अचार के साथ में से सर्व कीजिए। देखिए पराठा कहीं से ना फटा है, ना ही कोई फिलिंग बाहर निकली है। बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, इससे आपका परफेक्ट सॉफ्ट पराठा बनेगा। थैंक यू।